अशोकनगर में रंगपंचमी के अवसर पर लगने वाला करेला मेला इस बार निरस्त कर दिया गया था। वजह कोरोना के बढ़ते मामले थे। शासन प्रशासन की मंशा थी कि करेला में अधिक श्रद्धालु न पहुंचे, नहीं तो कोरोना विस्फोट हो सकता है। इसी सख्ती के चलते इस बार मेले में कम ही श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। करेला मेला निरस्त करने एवं श्रद्धालुओं को ढोने वाले वाहनों पर सख्ती से रोक के चलते रंगपंचमी के अवसर पर करेला में महज 1.5 से 2 हजार ही श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचे। इस दौरान मेला परिसर में न तो कोई राई होती दिखी और न ही मेला वाले रंग ढंग दिखाई दिए। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी जरूर पूरी मुस्तैदी से सुरक्षा एवं अन्य इंतजामों में जुटे रहे। मेला में आए श्रद्धालु माता जानकी के दर्शनों को लेकर काफी उत्साहित नजर आए एवं सुबह से देर शाम तक मंदिर के अंदर से जानकी मैया के जयकारे गूंजते रहे। ये ऊपर से निर्देश थे शासन के कि इस बार करेला मेला जो है वो भव्य स्तर पर नहीं आयोजित किया जाएगा, कोरोना के संक्रमण को फैलते हुए दृष्टि से उस दृष्टि से देखा। इस पर हमने सबसे पहले जो बेसिक हमारा आइडिया रहा कि प्रचार प्रसार बहुत ध्यान दिया गया, जिसके कारण हमें काफ़ी उसका फायदा मिला और हम देख सकते हैं कि कोई भीड़ यहाँ पर एकत्रित नहीं हुई। मुश्किल से 1000 आदमी भी आज शायद आए होंगे दर्शन करने। तो जो हमने जो बेस बनाया था वो यही था कि हर तरीके से प्रचार प्रसार हो, जो आसपास से जो लोग बुंदेलखंड और आसपास के जिले से गुना हुआ, विदिशा हुआ, यहाँ के लोगों, यहाँ के अधिकारियों से सबने संपर्क किया, उन लोगों ने अपने स्तर पर प्रचार प्रसार किए। यहाँ पर जिले में जो कलेक्टर साहब ने निर्देश दिए थे कि कैसे हमें टीम बनानी है, हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, सोशल मीडिया के थ्रू भी इसका प्रचार प्रसार किया कि इस बार मेले में ना आए क्योंकि इस बार आयोजन नहीं किया जाएगा। उसका हमें बहुत फ़ायदा हुआ और इससे फायदा है कि आज कोई भीड़ यहाँ एकत्रित नहीं हुआ। इसके अलावा सभी से अपील भी की गई थी कि कोरोना का मेला भी ऐसा करेला मेला ऐसा नहीं रहेगा। इसी बात को हमने टीम बनाते हैं सभी दूर आस पास के जिलों में, इवन कोटा राजस्थान और संपर्क करके प्रचार पेपलेट और बैनर के माध्यम से पहुँचाया गया था कि कोरोना से यह करेला का मेला इस बार नहीं होगा। इसके अलावा हमने आपको उसके जिलों के साथ ही मीटिंग की थी, तो उसी का परिणाम मैं मान रहा हूँ कि प्रचार प्रसार बहुत अच्छा अधिक हो गया था, जिसके बाद लोग सब प्रेरणा से भी इस मेले में नहीं आए हैं। जैसे आपने बताया कि 10-20 लाख लोग मेले आते थे, आज के तारीख में देखिए सुबह से लगभग 1.5 हजार लोग लगता है, इतने आदमी से ज़्यादा नहीं। मेले में राय नृत्य न होने को लेकर श्रद्धालु निराश नजर आए। वहीं अधिकांश श्रद्धालुओं ने माना कि मेला निरस्त करने का निर्णय सही है, नहीं तो कोरोना के मामले बढ़ सकते थे जो सभी के लिए बुरा होता। मृदुभाषी के लिए अशोकनगर से विवेक शर्मा की रिपोर्ट। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।